माय चैनल खाना विद अफसाना पे एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपी, चॉकलेट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है। तो आज चॉकलेट डे है तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना चॉकलेट की रेसिपी आप सबको शेयर किया जाए। तो चॉकलेट की इस रेसिपी को आप लोग आज इस चॉकलेट डे में घर पे बनाइए और अपने अपने लवर्स को खिलाइए। तो सबको एक बार कहते हैं हैप्पी चॉकलेट डे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। इसे बनाने लिए है डार्क चॉकलेट कंपाउंड का एक पार्ट। ये देखिए, ये इस पैकेट में 5 पार्ट मिलता है। हमने यहाँ से एक पार्ट लिए हैं और ये किसी भी मॉल में या बेकरी शॉप में आसानी से मिल जाएगा, नॉर्मल दुकान में ये नहीं मिलेगा। और चॉकलेट पाउडर लिए हैं 1/4 कप। इसके जगह आप डेयरी मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी कोई भी बेकरी शॉप में मिल जाएगा। वनीला एसेंस लेंगे 1 टीस्पून, ये भी मॉल में या बेकरी शॉप में मिल जाएगा। बटर हम लेंगे 1 टेबल स्पून, आप कोई भी ब्रांडेड बटर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने रोस्टेड कुछ आलमंड, काजू और अखरोट को चॉप्ड कर लिए हैं। आप इसके जगह आपके मन पसंदीदा कोई भी डाइट फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन करके गैस पे एक पैन चढ़ा दिए हैं और इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और गैस का फ्लेम हाई रखे हैं। पानी के हम इसमें एक बाउल रख देंगे, स्टील का बाउल भी ले सकते हैं या तो आप ग्लास वाला बाउल भी ले सकते हैं कांच का। हमने ये बाउल यूज़ किए हैं इसीलिए ताकि आप लोग इस प्रोसेस को आसानी से फॉलो कर सके, यानी कि देख सके। और अगर दोस्तों आप ग्लास बाउल यूज़ करेंगे तो आप माइक्रोवेव प्रूफ ही यूज़ करें, नॉर्मल ग्लास यूज़ ना करें क्योंकि इससे फट सकता है। अब हम इसमें डार्क कंपाउंड डालेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखे हैं और इसको हम अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये जो डार्क कंपाउंड है मेल्ट हो चुका है। तो इसे हम बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे तो इसे हम कम्प्लीटली मेल्ट हो जाने देंगे। तो तब तक इसे चलाते रहें कंटिन्यूसली। अब हम इसमें बटर डाल देंगे, चॉकलेट पाउडर डाल देंगे और वनीला एसेंस डाल देंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ सारा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके काट के रखे हैं और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। तो इसे हम अच्छी तरीके से एकदम से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करते रहें ऐसे। और दोस्तों हमारा ये होम मेक चॉकलेट बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में, तो आप लोग इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारा चीज़ें अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, अच्छी तरीके से मिक्स्ड भी हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम एकदम से बंद कर देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो चॉकलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चॉकलेट मोल्ड लिए हैं। ये देखिए प्ला लिए हैं मैंने यहाँ पे, एक हार्ट शेप वाला, एक नॉर्मल वाला। आप प्लास्टिक के जगह सिलिकॉन का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक थोड़ा सा कम दाम में मिलता है और ये सबके लिए अफोर्ड करना आसान होता है और किसी भी बेकरी शॉप में या मॉल में आसानी से मिल जाएगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ 28 रुपीज़ में ही मिल जाता है। तो अब हम इस चॉकलेट मोल्ड में क्या करेंगे, ये मिक्सचर को डाल देंगे। तो ऐसे करके डाल दें, चम्मच से ना होता है तो हाथ से ही डाल देती हूँ। तो आप ये जो हार्ट शेप वाला है और ये जो एक और शेप वाला है, आप इसके जगह कोई और शेप का भी चॉकलेट मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हार्ट शेप वाला पूरा एकदम से मैंने भर दिए हैं। तो अब हैं इसमें सारा डाल देंगे ये मिक्सचर सेम प्रोसेस में। तो इसे डालते रहें इस तरीके से। और इस चॉकलेट की रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय लगता है, तो आप लोग ये रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरा रेसिपी आप सबको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को और जितना ज़्यादा हो सके दोस्त लोगों के साथ शेयर करें।
तो दोस्तों हमारा दोनों मोल्ड एकदम से रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे एक घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे इसे एकदम से सेट होने के लिए। तो इसे हम फ्रिज में रखेंगे एक घंटा के लिए। एक घंटा बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं एकदम से है, ये देखिए। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे निकालना बहुत ही आसान है, ऐसे उल्टा कर दें और थोड़ा सा प्रेस करने से ये निकल जाता है। तो दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं, ये देखिए कितना आसानी से निकल रहा है और हमारा चॉकलेट कितना यम्मी लग रहा है, एकदम से लग रहा है मैं तो रुक ही नहीं सकती, लग रहा है सभी खा लूँ अभी के अभी। चॉकलेट को एक एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में 10 से 15 दिन तक इसे स्टोर करके रख के आप खा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। बाकी बचा दो रेसिपी को देखने के लिए मेरे इस लिंक पे क्लिक करें।